दिल्ली में अनलॉक होने के बाद दिल्ली की सड़कों पर भीड़ भी खूब देखी जा रही है। मॉल, मार्केट और रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं। अगर बाजारों की बात करें तो लोगों की काफी भीड़ बाजार में इकट्ठा होती है, लेकिन अगर व्यापार की बात करें तो दिल्ली में व्यापारी खासा परेशान है। वजह है होलसेल से लेकर रिटेल और छोटे बड़े सभी व्यापार पर कोरोना की पहली लहर से लेकर दूसरी लहर तक का असर बहुत ज्यादा हुआ है। जब से कोरोना का ये ट्रेंड चल गया है तो उसके बाद में मार्केट टोटली खत्म हो गए। जो पहले कस्टमर डेली आते थे या हर सेकंड थर्ड आते थे, अब वो महीने में दो दिन या एक दिन ही आ पा रहे हैं जो भी खुलने के बाद में ना। और बिजनेस जो है मार्केट का टोटली एबोलिश हो गया है। एट प्रेजेंट जो है 15-20% का बिजनेस रह गया मार्केट में। पहले जो मैन्युफैक्चर हमको क्रेडिट देते थे महीने डेढ़ महीने की, अब क्रेडिट देने से तो मना कर दिया, इवन वो एडवांसेस मांगते हैं। जो रिटेल ट्रेडर है वो तो डिपेंड है होलसेल पे ही है। जब होलसेल के ट्रेडर ही नहीं होंगे, उनके प्रोडक्ट ही नहीं होंगे, मार्केट से नहीं खुलेंगे तो रिटेलर्स भी कहाँ से हैं? उनका जो टोटल बिजनेस होलसेल के ऊपर ही बेस्ड है ना। देखिए, अनलॉक के बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है दिल्ली के होलसेल ट्रेड को, क्योंकि अभी सबसे बड़ी समस्या हो गई कि जो आसपास के दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली देखिए, दिल्ली का अपना एक होलसेल डिस्ट्रीब्यूटिव करेक्टर है, ये पूरे देश में दिल्ली से माल जाता है, इवन जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पर दिल्ली से सप्लाई होता है। तो अभी कोरोना के कारण लॉकडाउन के बाद भी जो पड़ोसी स्टेट हैं यहाँ से कस्टमर नहीं आ पा रहा है, सोनीपत, पानीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, पलवल, तो यहाँ से भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं। और अभी पिछले दिनों जो एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने बयान दिया कि अगर ऐसे ही बाज़ारों में भीड़ रही तो अगले 6-8 हफ्तों में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, तो जो बाज़ारों का उन्होंने उल्लेख किया, बाज़ारों का नाम लिया, उसके कारण से भी कस्टमर्स में काफ़ी डर है। देखिए, दिल्ली में अगर आप अमून ऑल ओवर बात करें तो लगभग 9.5 लाख व्यापारी हैं, 9.5 लाख दुकानदार हैं, इसमें से होलसेल ट्रेड में लगभग 6 लाख कारोबारी हैं, लगभग 3.5 लाख कारोबारी रिटेल ट्रेड में हैं। तो 6 लाख व्यापारियों के जो दुकानदार हैं उनको फर्क पड़ा है। हमने रिटेल ट्रेडर्स की स्थिति भी समझने की कोशिश की, जिसके लिए हम दिल्ली की कमला नगर मार्केट पहुंचे, जहां पर हमने बॉम्बे बैग्स के मालिक से बात की, जिनका बैग्स का बहुत बड़ा कारोबार है। उनका कहना है कि सीजन में स्कूल बैग बहुत ज्यादा बिकते थे, लेकिन तकरीबन 2 साल हो गए, जो स्टॉक 2019 में लिया था वो अभी तक नहीं निकला है। मार्केट की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। जब सीजन आता था, जब स्कूल खुलने के लिए एक नया सेशन शुरू होता है, तो कितना फुटफॉल रहता था यहाँ पे बच्चों का, पेरेंट्स का, और कितने बैग्स का सेल तकरीबन हो जाता होगा? पर डे हम लोग 150-200 पीसेस बेच लेते थे, और अदर सेक्शन के लोगों को भी हम लोग स्कूल बैग में ही लगाते थे ताकि स्कूल बैग की सेल हमारी लूज ना हो। अभी 2 साल से क्या हालात है, कितनी सेल हो गई है? 2 साल से ऐसा है कि हमारे जो स्टाफ के 2 लड़के हैं वही फ्री बैठे हुए, जो स्कूल बैग सेक्शन के, उनके पास ही टाइम नहीं है बिताने के लिए, वो भी फ्री हैं बिल्कुल इस समय। उनको भी हम लोग दूसरे सेक्शन में, या उनको डे वाइज बुला रहे हैं, किसी लड़के को एक दिन, किसी को दूसरे दिन, ऐसा सब चल रहा है। अगर इसको हम पैसों में जाने की कोशिश करें तो कितना बड़ा अमाउंट है जो इस स्टॉक में आपका फंस गया है, और क्या उम्मीद लगा रहे हैं, कब तक इससे निकल सकते हैं, या किस तरह से वो कैश होगा? अमाउंट अच्छा खासा अमाउंट रहता है, इन्वेस्टमेंट पूरी रहती है, रीज़न ये होता है शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है इन्वेस्टमेंट, मार्च या अप्रैल में हम लोगों को सारा क्लियर हो जाता है। बट इस बार तो मार्च के टाइम में, और लास्ट ईयर भी, इस साल भी सीज़न के टाइम में बिल्कुल लॉकडाउन रहा, और कोई चांस नहीं आगे भी खुलने के, क्योंकि बच्चों का मामला, कोई पेरेंट्स रिस्क लेने को तैयार नहीं है। सब कुछ क्लियर होने के बाद ही शायद इस चीजों की बारी आएगी। चैलेंज बहुत ज्यादा है, कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। कस्टमर आगे के हिसाब से 15-20 पैसे कस्टमर आ रहा है, नंबर एक। नंबर दो के थोड़ा सा इसके अंदर यह है कि कस्टमर को इस बात पे गौर करना चाहिए कि हमें भी डिस्टेंस को कवर करके चलना चाहिए, वो दुकानदार के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है।
तीसरी बात यह है कि चैलेंज में एक एक्रोचमेंट जो है ना वो अड़े आ रही है। हम दुकानदार अपनी दुकान के अंदर तो ग्राहक को कह सकते हैं रुक जाओ जी बाहर रुको, लेकिन बाहर नहीं जाके कह सकते, इसलिए हमारे पास कोई पावर नहीं है जिससे हम उनको रोक सकें, उनको कह सकें। तो इसकी पावर तो दिल्ली सरकार के पास या दिल्ली पुलिस के पास है जो इसको कवर कर सकती है। जब तक ये चीज़ कवर नहीं होगी तब तक बाज़ार खुलेगा नहीं। जो तीसरी लहर का सुनाई आ रही है सबको, उसको देखते हुए दुकानदार खुल नहीं रहा, ना माल ले पा रहा है। माल लेता है तीसरी लहर आ जाती है तो अंदर डंप हो गया माल, और ना माल मिल रहा है क्योंकि जितनी लेबर है वो सारी वापस चली गई है जिसको आने में टाइम लगेगा। गवर्नमेंट के टैक्सेस इतने बढ़ते जा रहे हैं दुकानदार को कवर करने बड़े मुश्किल हो रहे हैं। जैसे लाइसेंस फीस इतनी हो गई, कन्वर्जन जमा कराना, GST जमा कराना, इनकम टैक्स जमा कराना, इस तरह से बहुत टैक्सेस ऐसे हैं जो कि बढ़ते जा रहे हैं और दुकानदार के ऊपर जो है ना बोझ बढ़ता जा रहा है। कमाई कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। ABP News, आपको रखे आगे।